शक की बात नहीं है कि बॉलीवुड सितारों की जिंदगी बेहद ही ज्यादा अनोखी होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के सितारे कई बार अपनी असल जिंदगी के बारे में बताने से काफी ज्यादा डर जाते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं अपने इस खास रिपोर्ट में बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा के बारे में जिनके आगे उम्र नहीं टिक पाती, उम्र को भी झुकना पड़ता है। समझ गए होंगे आप, आज एक बार फिर से हम करने वाले हैं बात बॉलीवुड की खूबसूरत सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपने गानों से एक बार फिर से सुपर डांस शो में जिस तरह से लोगों को अपना बनाया, हर किसी की जुबा पर रेखा का नाम है। जी हाँ, अब जाने की जिद ना करो, इस गाने से रेखा ने सुपर डांस शो में रेखा के एरा का सबको याद दिलाया और रेखा का वहां पर डांस के साथ साथ गाने गाना सबको दीवाना बनाया। मजेदार बात हम आपको बता दें, अमिताभ बच्चन के शॉट पर जिस तरह से रेखा वहां डांस करती नजर आई थी, जश्न ए रेखा के स्पेशल एपिसोड में जब रेखा अपने टैलेंट का लोहा पर मनवाने वाले कंटेस्टेंट्स के बीच अपने ठुमकों से जादू चलाते नजर आई, वहां गाना गाते गाते रेखा इमोशनल हो गई थी, ऐसा लग रहा था वो रो जाएंगी। वैसे आपने कई बार रेखा को देखा होगा कि वो गाना गाते हुए कई वेन फंक्शंस में रो पड़ी हैं, कई बार अपने पुराने मित्रों को याद करती हुई गाना गाती हुई रेखा को रोते देखा गया है। बात करें अगर स्मिता पाटिल की, तो स्मिता पाटिल को याद करते हुए भी रेखा खूब रोती नजर आई थी जब उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया था उनके बेटे प्रतीक बब्बर की तरफ से। तो वही रेखा सुपर डांसर के रियलिटी शो में जब स्पेशल जश्न रेखा के एपिसोड में शिरकत करती नजर आई, 60 के दशक के जमाने की फिर याद दिला गई रेखा। फिल्म सुहाग साल 1979 में आई फिल्म सुहाग की एक्सपीरियंस को साझा करने वाली रेखा ने ये बताया था कैसे दुर्गा देवी की मूर्ति के पीछे वो सोया करती थी अमिताभ बच्चन के साथ जब वो डांस करते करते थक जाती थी। रेखा की ये बातें लोगों को आज भी इसी बात की याद दिलाती है कि रेखा काफ़ी मेहनती थी और जब बात अमिताभ बच्चन के साथ अपने काम को आगे बढ़ाने की हो, उनके साथ काम करने की हो, तो रेखा अपना दर्द बोलकर सुख दुख भूलकर अमिताभ के साथ अपने काम को आगे बढ़ाती थी। हम बताना चाहेंगे आपको रेखा के बारे में एक और बड़ा राज। रेखा ने इसी शो में जिस तरह से हारमोनियम के साथ गाना गाते हुए सबका दिल जीता, वहां पर शिल्पा शेट्टी से लेकर गीता कपूर सब के सब इमोशनल हो गए थे। जिन्हें क्वीन ऑफ एक्सप्रेशंस कहा जाता है, उस रेखा के बारे में आप कुछ जानते ही हैं। एक बार रेखा ने आग की आंखों में कुछ कहते हुए इस गाने के साथ सबकी आंखों को रुला दिया था जब वो राइजिंग स्टार में नजर आई थी अपनी उस असिस्टेंट के साथ जिनका नाम फरजाना है, जहां पर जज में दिलजीत दोसांझ, शंकर महादेवन, नितिन मोहन थे और रेखा के गाने को सुनने के बाद वहां सभी इमोशनल हो गए थे। अमिताभ बच्चन के और रेखा के फिल्म सिलसिला को कोई नहीं भूल पाया। सिलसिला घर जैसे फिल्मों में अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए रेखा को आइकॉनिक एक्ट्रेस के तौर पर भी जाना जाता है, जिन्होंने शशि कपूर के अपोजिट रोल किया था सिलसिला में, लेकिन उनका वहां गाना गाने से लेकर डांस करना खूब चर्चाओं में रहा जब राइजिंग स्टार में वो अपने गानों से सबको इमोशनल कर गई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति रिपोर्ट।